मोहसिन खान मेरे साथ हैं, सामने हमारे कॉफ़ी शॉट्स हैं। अमूमन हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ना ऐसा कोई आउटडोर्स कुछ ऐसा कर ले, लेकिन अभी चूंकि अभी हम इस जगह हम ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने फिटनेस बोलिंग करनी अभी शुरू नहीं किया है दिस पॉइंट इन टाइम। तो सवाल ये है इसमें, मतलब कि क्या आपने काम कभी किया है? अगर आपने किया है तो यू आर गिल्टी, गिल्टी हो तो फिर पी लेना, और अगर आपने काम कभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, फिर बात कर लेंगे। तो पहला सवाल आपके लिए मोहसिन खान, क्या कभी अपील की है जब पता था कि बंदा आउट नहीं है? ये तो ये भाई सारी नहीं पियो, इट्स ओके, मैं मतलब कैफीन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बहुत कड़वी है इसीलिए मैं नहीं पीता। मेरे को ना, आई हेट कॉफी, आई लव कॉफी, ये जानबूझकर बनवा के लाया हुआ है, कड़वा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, टीम बड़ी, अगली बार हॉट चॉकलेट रख लेंगे, ज्यादा शुगर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, ये सवाल क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अभी हमने आपसे पहले ही बात किया है, तो ये सवाल है कि क्या कभी आपने अपने ओपोनेंट को स्लेज किया है जाके? फास्ट बॉलर है, किया है? अरे बाबा, अरे बाबा, ओके, पी ले, छोटा भी ले, छोटा। अच्छा, मेरा सवाल दोनों की तरफ से, एक तो ये कि जब आउट नहीं था, पक्का पता था आउट नहीं था, फिर भी अपील की? मैंने तो कई बार ले भी लिया था क्योंकि मैच वैच खेलते हैं, हो जाता है अपील, है माहौल ऐसा बना देते हैं, ले लेते हैं। अब फर्स्ट क्लास में दे देता है ना, कि चल जाता है, जोर से अपील की, आउट आउट है यार, आउट है। मैं एक बार बताऊं, एक्चुअली एक बार आई टेल यू, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सौरभ गांगुली इंडिया के कप्तान थे, हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे, तो वो ना इतनी आगे से बॉलिंग कर रहे थे, हर बॉल इतनी नो बॉल, इतनी नो बॉल, मैं नॉन साइकिल पे खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर नो बॉल है, एक उन्होंने नो बॉल दे दी, उन्होंने सौरभ ने उसके बाद कहा कि आप ना बीच में भाग रहे हो, पाँच ये तो गलत है, ये तो डेंजर जोन है। कह रहे यार मैं इंडिया के लिए आज तक नो बॉल नहीं डाली है, मैं इंडिया के लिए आज तक अंदर नहीं गया हूँ, ये क्या बकवास अंपायरिंग, वो कम डर गया अंपायर यार, डर जाते हैं एक्चुअली, ये सही है, सच है ये। और स्लेज किसको किया वो तो अभी तो मतलब ऐसा कोई है, कोई गंदा सा स्लेज याद जो? नहीं याद तो नहीं है, नहीं याद तो नहीं है, याद नहीं है, अब तो कॉफी पी ली है वैसे भी, तो पी ली, ओके फाइन, आई विल नॉट डू दिस। अच्छा, ये अच्छा है एक्चुअली, बोल्ड अ बीमर ऑन पर्पस, किसी को जानबूझ के बीमर कभी डाली है क्या? नहीं नहीं डाली ना, कभी जरूरत नहीं, जान के भी नहीं डाली और डली भी नहीं है कभी बीमर। अच्छा नहीं, इसलिए पीने की आवश्यकता नहीं है, कभी मतलब नेट के अंदर कभी किसी गुस्सा नहीं आता, लड़ाई होगी तेरी ऐसी कम तैसी, वो बाउंसर से निकल जाता है, बीमर की जरूरत नहीं। बट बाउंसर भी कभी आगे से? नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा क्योंकि बाउंस करता है, हल्का सा भी हिट कर दो तो मतलब आ जाती है सर के पास, टेंशन नहीं है ऐसी, वो मतलब अभी तो ऐसा भी होने लगा है कि एक दो केस ऐसे हो गए बॉल लग जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो कोशिश भी नहीं कर, नेट वेट में वैसे भी बाउंसर नहीं मारता। शोएब अख्तर, उसके मेरे एक एक्चुअल इंटरव्यू हमने साथ में किया, तो उसने कहा मैंने जानबूझ के मारी, बीमर शोएब, गंदी बात, नॉटी बॉय, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कि कभी कभी ये जेलस फील किया कि साथ वाला बंदा मतलब अपने टीममेट है, कोई बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, कभी जेलस फील किया कि यार इसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, इसका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा हो गया मेरा नहीं हुआ टाइप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबको सबके नसीब का मिलता है, और ज़रूर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घर वालों ने भी हमेशा ये सिखाया कि साथ वाले की खुशी में खुश हो तभी आपको खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ, ऐसा कभी नसीब से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, ये मेरे माँ बाप ने भी यही समझाया, माँ बाप सबसे सारे यही नसीहत देते हैं, बिल्कुल, आई एम अ फादर, मुझे भी अपने बच्चों को यही बताना चाहिए। कभी अपना जो क्रिकेटर का स्टेटस यूज किया है टू गेट एन एंट्री इनटू अ रेस्टोरेंट, कहीं पे कोई बुकिंग, कोई कहानी, कि एयरपोर्ट पे कोई वेट कर रहा है, मोहसिन आ रहा है, हो जाता है? नहीं, झूठ मत बोल, नहीं सच्ची में, हाँ हम तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की बुकिंग के लिए लेना पड़ता है हमको, कि सर ये आकाश चोपड़ा जी का शो है, देखो इंडिया के लिए खेले थे, शो आएगा देखो। नहीं कभी नहीं, अपने आप ही लोग कर देते हैं, नहीं मतलब कभी तो जरूरत पड़ती होगी, नाइट क्लब में कहीं? नहीं मैं जाता नहीं, नाइट क्लब तो जाता नहीं, बिल्कुल। क्या बंदा है यार, देवता पुरुष है एकदम, हाँ पुरुष है, पुरुष नहीं है, हाँ पुरुष है। अच्छा तो अब आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि ये बहुत सारे रह गए, एक आता शायद हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए, कभी गेम छोड़ने का सोचा कि आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनीमोर? कभी भी छोटे से बड़े से कभी कभी नहीं, कभी दिमाग में नहीं ऐसा था? एक बार छोड़ी है बीच में जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो वो तब भी टेनिस खेल रहा था, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट से दूर नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहता। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कॉफी शॉट, नहीं तो मुझे ही पीनी पड़ेगी, होती कैसी है वैसे? बहुत कड़वी कड़वी होती है क्या? बहुत कड़वी चीजें नहीं पीनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज, कभी बॉल टेंपर किया क्या? नहीं नहीं कभी, सच बता? नहीं सच में भैया, मैंने किया है इसलिए पी लिया। मेरे को लगता था कि मैं टीम में ना बैट्समैन का काम क्या है,
कि आई मीन बैटिंग तो कई बार जीरो पे आउट हो जाऊंगा तो फिर करूंगा क्या मैं मैच में. तो मैंने कहा चलो बॉल ही चमकाओ. बॉल चमकती नहीं है, कई बार ऐसा नहीं होता कि बॉल नहीं चमक रही तो चल यार थोड़ा सा. हमारे यूपी टीम में है जब मैं मैच खेलता था एक दो बड़े चमकाने वाले हैं. अंकित भाई भी बहुत अच्छे शाइन करते हैं तो वो अपने हिसाब से करते रहते थे. वो कभी उस गैंग का हिस्सा नहीं बने. नहीं कभी डांट नहीं पड़ती थी कि अबे तू भी तो कर ले. नहीं वो पहले ही हो जाता था कि बॉल कौन कौन बनाने वाले. पहले ही हो जाता था कि भाई बॉल स्लिप से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी. इसके दो कारण होते हैं. एक तो जिसके हाथ में पसीना कम आता है उसके पास जाती है. दूसरा जो हमारे टाइम में होता था जिसके मुंह में मेंटोस है उसके पास जाती है. तो मेरे मुंह में मेंटोस हमेशा रही है. मैंने बहुत मेंटोस खाई. तो मेंटोस बैन हो गई है एक्चुअली. अब आप वो सलाइवा नहीं लगा सकते तो कुछ अलग करना पड़ेगा. पर काफी सारे बच गए. बहुत शरीफ बच्चा है यार. तो अभी का बच्चा है पहले का बच्चा है. मतलब आई मीन जनरेशन जेन एक्स इज सपोज टू बी 25 का हो गया. मैं तो बच्चा नहीं है एक्चुअली. 25 का हो गया लड़का. वेल डन. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. बहुत एक ही दो पीनी पड़े. मैंने दो ही पीनी पड़ी. कम थी एक्चुअली. यार मत किया करो ये. क्यों करते हो